खुशी है कि आज मैं एक इतने वाइडली वॉच शो पर आई हूँ जो लोगों को इतनी जानकारी देता है, सावधान करता है पूरे इंडिया को. और आज का टॉपिक भी काफ़ी रेलिवेंट था. रैगिंग के बारे में हमने बात की, और अगर आपने अकीरा का ट्रेलर देखा होगा तो उसमें भी एक सीन है जहाँ पर कुछ लड़की और लड़कियाँ मुझे रैग करने की कोशिश करती है. ये हमें ऊपर ऊपर से तो लगता नहीं है बहुत सीरियस मामला, बट है. काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई है वहाँ पर, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है रैगिंग के मामले में. तो आई फील कि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा आज का. अच्छा लगता है. इनफैक्ट जब मुर्गदा सर के साथ मैं हॉलीडे पर शूट कर रही थी, उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, उसके बाद वो मेरे पास अकीरा लेके आए, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने इस देश के बहुत टॉप एक्शन हीरोज़ के साथ काम किया है. और उन्हें लगा कि मैं इस रोल में अच्छी रहूँगी, फिट हूँगी, और मुझसे वो चीज़ें करवाना चाहते थे जो पहले उनके हीरोज़ कर रहे थे. तो मुझे बहुत ही एक ऑनर फील हुआ कि उन्होंने इतना फेथ दिखाया मुझ में और मुझे अकीरा के लिए चुना. और जब फिल्म शूट कर रहे थे तभी भी एक बहुत ही अलग फीलिंग आती है ना, जब आपने ऐसा कुछ कभी किया नहीं है, उसके लिए कुछ सीखना पड़ा, मिक्स मार्शल आर्ट सीखना पड़ा मुझे. और जब आप फिल्म में अप्लाई करते हैं तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है. ऐसा और भी बहुत लोग के साथ हुआ है जो गए थे और खाली हाथ वापस आए हैं, बट वहाँ तक पहुँचना ही इतना बड़ा अचीवमेंट है खुद में. यू नो, सेलिब्रेटिंग ह्यूमन एक्सीलेंस, आप और मैं तो जान नहीं सकते ओलंपिक्स. तो जो लोग गए हैं हमें उनके लिए बहुत खुश होना चाहिए. जी ऑफकोर्स, आई थिंक हर एपिसोड की खासियत यही होती है कि एक सोल्यूशन भी मिलता है. और आपको आई फील कि जब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, उनको अवेयर कर रहे हैं, वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि एटलीस्ट जानकारी होना ज़रूरी है. एंड आई फील दैट सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.